हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे गोभी मटर की सब्जी, यानी कि इसको आप गुजराती में कॉलीफ्लावर वटाणानु शाक पण के सके छे। एंड गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर इसको बोलते हैं, कॉलीफ्लावर और पीस मिक्स करी बनाएंगे हम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मटर की सब्जी। तो ये थोड़ी सी ड्राई और थोड़ी सी ग्रेवी, बहुत ग्रेवी नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल, जैसे सब्जी हम बनाते हैं ऐसी हम सब्जी बनाएंगे गोभी और मटर की। तो ये हमने गोभी ली है और थोड़े से मटर, फ्रेश या फ्रोज़न आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिली, गार्लिक जिंजर पेस्ट। और हम गोभी को अच्छी तरह से ऐसे काट लेंगे, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं और बहुत छोटे नहीं, ऐसे छोटी मीडियम साइज़ की गोभी हम कट कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। और इसके तड़के के लिए हम थोड़ा सा तेल, जीरा और नमक डालेंगे, तो हम इसका तड़का बाद में लगाएंगे। पहले हम गार्लिक और जिंजर की पेस्ट बना ली है हमने, उसी तरह से आप चिली को पेस्ट में नहीं डालना है, चिली को कट करना है, तो उसका छोटा छोटा पीसीस करके हम चिली को कट कर लेंगे। और गोभी है उसके अच्छे से हम पीसीस ऐसे करके उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और मटर, मटर को भी आप चाहे फ्रोज़न या फ्रेश कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे हम। अब ये हम पहले करके उसका तड़का हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कैसे लगाएंगे। ये मटर और गोभी कॉलीफ्लावर हमने अच्छी तरह से वॉश कर दिए हैं और एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे गर्म होता है हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स और कुमिन सीड्स, थोड़ा सा जीरा और राई डालेंगे। और ये जैसे आवाज़ उसका चटकना शुरू हो जाता है हम अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और पिंच ऑफ हींग डाल के, जो हमने चिली कट करके रखी थी वो चिली हम अंदर डाल देंगे। जैसे ये चटकने लगती है चिली, उसमें हम जो हमने सब्जी वॉश करके रखी थी वो हम अंदर ऐड कर देंगे, कॉलीफ्लावर और यानी कि गोभी और मटर जो हमने डाला था वो हम अंदर डाल देंगे। और उसके बाद उसको हम थोड़ा सा नमक हम टेस्ट के अनुसार हम डाल देंगे अंदर, थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हिला के अच्छी तरह से ऊपर नीचे थोड़ा सा करके, इसमें बहुत नहीं, थोड़ा सा पानी, यानी कि बहुत थोड़ा सा पानी हम अंदर ऐड करेंगे और उसको हम ढक के धीमी आंच पे हम इसको 5-10 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे। तो ढक के हम इसको धीमी आंच पे, अब ये हमारा 5 मिनट के बाद आप सब्जी को ढककर निकाल के जो हमने जिंजर गार्लिक की पेस्ट रखी थी वो आप डाल दें अंदर और उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लें। और उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डालें, 1/2 स्पून जितनी शुगर डाल दें अंदर, और धनिया पाउडर 1/2 स्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो, और ग्रीन इतनी स्पाइसी नहीं होती है, कई बार ग्रीन चिली, तो आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये गरम मसाला थोड़ा सा, ये सब डाल के आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। आप चाहे तो कॉलीफ्लावर हमने पीस यूज़ किए हैं, आप चाहे तो मटर भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्स वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं विथ कॉलीफ्लावर के साथ, आप वो भी यूज़ करके आप सब्जी बना सकते हैं। तो ये हमने
अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लिया है और अब इसको हम ढक के फिर से 5 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पे पकने देंगे इसको। तो ये आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के बाद ढक्कन को खोल के देख लें, कॉलीफ्लावर ऐसे कट करके आप देख लें पक गया है। तो ये आपकी सब्जी रेडी हो गई है। तो इसको आप ऊपर करियंदा डाल के गैस को बंद करके रख लें और चख लें, अगर सॉल्ट कम ज़्यादा है तीखा तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा पकने दें और कॉलीफ्लावर को कट करके देख ले एक बार, नहीं पका है तो थोड़ा और पकने दें। और ये सब्जी ढक के आप बंद कर दीजिए। तो ये हमारी आज की डिश गोभी मटर की सब्जी यानी कॉलीफ्लावर पीस की सब्जी रेडी हो गई है। तो आप इसको गर्मा गर्म डिश में निकाल के ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल के गर्मा गर्म आप चपाती ब्रेड नान के साथ सर्व कीजिए और खाइए। थैंक यू वेरी मच।